झारखंड में अपनी परंपरा और संस्कृति के प्रति सदा से जागरूक रहने वाले आदिवासी समाज भी इस आधुनिकता के युग में लोगों से कदम मिलाकर चलना चाहता है, जिसके चलते जमशेदपुर में आदिवासियों के लिए सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। करणडीह स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आदिवासी यूथ क्लब की ओर से 41वें दिशोम सोहराय और सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी समाज की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली। इस सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस आदिवासी के लिए 9 और मिस्टर आदिवासी के लिए 6 प्रतिभागियों ने शिरकत की, जिसमें प्रतिभागियों ने आदिवासी पारंपरिक परिधानों को पहनकर रैंप पर कैटवॉक किया। इस प्रतियोगिता में कलियाडीह की शांखी हेम्ब्रम को मिस आदिवासी और गालूडीह के अर्जुन बेसरा को मिस्टर आदिवासी चुना गया। इसका बहुत असर पड़ेगा और ये समारोह करके हम लोग मतलब अपने आइडेंटिटी दिखाना चाहते कि हम लोग भी कुछ हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरे समाजों की तरह हमारा भी आइडेंटिटी हो, ये हम चाहते हैं। बहुत खुशी हो रहा है मुझे कि मैं आज की 20 आदिवासी बनी हूँ। इसमें मेरे टीचर्स का बहुत ही बड़ा हाथ है, उन्होंने मुझे बहुत किया कि नहीं तुम करो, उन्होंने मुझे बहुत मतलब हेल्प किया मुझे, उन्होंने बहुत उनकी वजह से मैं आज हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सहायता किया है, फैमिली वाला कोई बड़ा हाथ है। जी, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा जो आप सवाल पूछा हमसे, ये आदिवासी युवा जो नक्सल की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ये गलत है। आदिवासी युवा अपने स्थान पर है, वो नक्सल की ओर बढ़ते नहीं जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जो हमारे हक के लिए जो आदिवासी को हक चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे आदिवासी और भाइयों बहनों उग्र हैं। तो मैं वहीं इन दोनों विजेताओं को DC अमित कुमार ने सम्मानित किया। कार्यक्रम के आयोजकों के अनुसार आदिवासी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। पंजाब केसरी TV के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।